हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो हम द मैक्सिमम साइज ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। बट ये पढ़ने से पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ना बाकी था जो कि हमने नहीं पढ़े थे। अब इसमें हम वो डिस्कस कर लेते हैं। आ सेट कंसिस्टिंग अ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर, अगर कोई सेट है जिसमें बेसिकली नॉन जीरो वेक्टर V1 है तो वो वेक्टर जो होगा हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और अगर ये वेक्टर जीरो है तो उस कंडीशन में वो वेक्टर जो होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स V1 एंड V2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? अगर एक सेट को दूसरे वेक्टर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी एक सेट अगर V2 है तो उसको किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा जा सकता है, तो उस कंडीशन में जो सेट होंगे वो बैक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज सेट जो होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। उसके बाद एनी सेट V1 V2 डॉट डॉट VP कंटेनिंग द जीरो वेक्टर, अगर इस सेट में कोई भी अगर जीरो वेक्टर हमें मिल जाता है तो वो वेक्टर जो सेट होगा वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इस कंडीशन में अगर हम देखें तो सपोज कि इसमें एक वेक्टर जो VP जो था वो जीरो वेक्टर था, तो इस कंडीशन में जीरो जीरो सारी टर्म जीरो बट एक टर्म जो है नॉन जीरो मिल जाएगी हमारे पास। ये कोई भी नॉन जीरो टर्म हो सकती है, जरूरी नहीं टू ही लिखें, कोई भी नॉन जीरो टर्म हो सकती है जो कि इसका एक सॉल्यूशन होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका एक नॉन ट्रेबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नॉन ट्रेबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब है जो प्रॉब्लम है उसका डिपेंडेंट होना। अब हमारे पास नेक्स्ट है द मैक्सिमम साइज ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है? तो इसके लिए लेट V1 V2 डॉट डॉट VP बी द सेट ऑफ वेक्टर्स, ये हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है एन आर एन। इफ P जो है ग्रेटर देन N, अगर P जो है यानी नंबर ऑफ वेक्टर्स जो है वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल N, बेसिकली आर एन से, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स N होंगे। अगर P ग्रेटर देन N है तो उस कंडीशन में V1 V2 डॉट डॉट VP जो होंगे ये सारे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इक्विवेलेंटली अगर इसे को ये भी कह सकते हैं, इफ द वेक्टर्स V1 V2 डॉट डॉट VP इन RN आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उस कंडीशन में P की जो वैल्यू जो होगी, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो P की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो N हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आंसर मिलता है हमारे पास कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की मैक्सिमम साइज जो हो सकती है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इक्वल हो सकती है। यहाँ से हम इस थ्योरम को प्रूव भी कर सकते हैं। लेट ए बराबर, ये हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, दस ए इज अ एन क्रॉस पी मैट्रिक्स, बेसिकली हमारे पास एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इस तरह से हम इस यहाँ के एंट्री होंगी इसकी, तो यहाँ पे X1 सपोज इसके X2 X3 ये इसके वेक्टर्स हैं, तो ये यहाँ तक आएंगे XN तक। इसी तरह से यहाँ पे Y1 अगर है Y1 डॉट डॉट YP, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा हमारे पास N रो P कॉलम, N क्रॉस P का मैट्रिक्स बनेगा। सिंस ये हैज N रो, एक ही N रो है तो मैक्सिमम रैंक ऑफ ये जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, एन, एंड एक की जो मैक्सिमम रैंक जो है वो एन हो सकती है, और यहाँ पे हमारे पास गिवन है जो आर जो है वो लेस देन एन है। सॉरी, रैंक जो है वो लेस देन इक्वल टू एन हो सकती है, क्यों, इससे ज्यादा नहीं होगी। देयरफॉर द नंबर ऑफ फ्री पैरामीटर्स, नंबर ऑफ फ्री पैरामीटर्स किस तरह से निकालते हैं, डी बराबर पी माइनस आर, पी बेसिकली कितने वेक्टर्स हैं, तो कितने वेक्टर्स हैं यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं नंबर ऑफ फ्री पैरामीटर्स निकालने के प्रपोज तरीका, तो यहाँ से हो गया हमारे पास नंबर ऑफ फ्री पैरामीटर्स कितने हैं, पी माइनस आर। अब अगर आप पी की वैल्यू देखें तो पी जो है वो ग्रेटर देन है एन से, और एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, तो इस कंडीशन में पी जो है वो ग्रेटर देन आर हो गया, तो यहाँ से पी ग्रेटर देन आर यानी कि जो डी जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, डी जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसका मतलब कि उसके कुछ फ्री पैरामीटर्स हैं, और फ्री पैरामीटर्स जब भी होते हैं तो हमने अब तक जो पढ़ा था
जब भी फ्री पैरामीटर्स हमारे पास मिल जाते हैं तो उसके एक से अधिक सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो एक से अधिक सॉल्यूशन यानी कि इसके ट्रेवल नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब है कि वी वन वी टू डॉट डॉट वी पी का डिपेंडेंट होना, वी पी का डिपेंडेंट होना। तो इस तरह से नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर किया तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है डिपेंडेंट है। अब इसको मैं एग्जाम्पल की हेल्प से और समझ लेते हैं। आर दी वेक्टर बिलो आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये हमारे पास वेक्टर्स हैं वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव, ये वेक्टर्स हैं हमारे पास। तो इन वेक्टर्स को हमने सिंपली कॉलम की फॉर्म में लिख लिया, इस तरह से वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव इस फॉर्म में लिख लिख के और उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पे हमारे पास ये आया। अब सॉल्व करने पे ये आया हमारे पास, अगर इसकी रैंक देखें तो रैंक क्या है इसकी, रैंक है हमारे पास इसकी 1 2 3 4, रैंक जो है 4। और ये अगर इसमें हम देखें टोटल टर्म्स देखें, टोटल टर्म्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास बी बराबर पी जो वेक्टर्स हैं वो है हमारे पास 5। तो इसके जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की अगर बात करें, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पे, या फ्री पैरामीटर्स की बात करें तो डी बराबर पी माइनस आर, यानी कि ये हो गया 5 माइनस 4, यानी कि 1 जो है वो फ्री पैरामीटर्स है। तो इसके इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इसका हम एक सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, -1 v1 +1 v2 0 v3 -1 v4 -1 v5 = 0। तो जो इसका ये एक इसका सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास नॉन जीरो एंट्रीज है, नॉन जीरो एंट्रीज है, डेफिनेटली नॉन जीरो एंट्रीज इसमें है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज दैट द सेट वी वन वी टू वी फोर डॉट डॉट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन सो दैट सेट वी वन वी टू वी थ्री इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके सारे सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर हमारे पास कोई एक सबसेट, किसी सेट का एक सबसेट लीनियरली डिपेंडेंट मिल जाता है तो वो सेट जो होगा वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव कर रहे हैं। पर इस एग्जांपल को हम प्रूव कर रहे हैं कि सपोज कि हमने x1 x2 3 को हमने सपोज कर लिया कि ये जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट है तो x1 v1 +x2 v2 +x3 v3 = 0 के लिए एक हमारे पास कम से कम एक जो है नॉन जीरो होगा। सपोज कि हमने x1 को नॉन जीरो मान लिया। अब x1 को हमने अगर नॉन जीरो मान लिया तो x1 v1 +x2 v2 +x3 v3 +x4 v4 = 0, जहाँ पे x2 0, x3 0, x4 0 और x1 जो है नॉन जीरो। तो इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ से होगा ये = 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये टर्म जीरो है ही। तो यहाँ से ही हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स जो वी वन वी टू वी थ्री वी फोर जो है वो भी लीनियरली डिपेंडेंट है, बट हमारे पास गिवन है कि जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, जो हमने लीनियरली डिपेंडेंट माना वो एक कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो v1 v2 v2 3 3 जो होंगे वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।